अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस 18.1 आखिर ऊर्जा है क्या। ऊर्जा द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है और इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य और ऊर्जा के बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि ऊर्जा और कार्य का सीधा संबंध है। अधिक कार्य करने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। आपके पास जितनी अधिक ऊर्जा होगी आप उतना ही अधिक कार्य कर पाएंगे। ऊर्जा शब्द का आविष्कार आज से 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग ने किया था। थॉमस यंग ने ऊर्जा शब्द एक यूनानी वाक्य अंदर कार्य से प्रेरित होकर इजाद किया। उनके अनुसार ऊर्जा के अंदर कार्य छिपा है। आप उस ऊर्जा के उपयोग से कार्य कर सकते हैं। हमारे शरीर में भी एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। जितना अधिक हम कार्य करेंगे उतनी अधिक ऊर्जा की खपत होगी और हमें थकान महसूस होगी। इस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य और ऊर्जा ज्यादातर हम कार्य शब्द का संबंध जीवित मनुष्यों से जोड़ते हैं। जब मनुष्य गुफाओं में रहता था तब मुख्यतः अपने शरीर की रासायनिक ऊर्जा का ही उपयोग करता था। फिर लोगों ने नया ज्ञान प्राप्त किया, पालतू जानवरों की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया, नदी व पानी के बहाव से जहाज चलाना सीखा, लकड़ी और वसा को ईंधन जैसे इस्तेमाल करके आग की ऊर्जा का उपयोग शुरू किया। आग लोगों को सर्दी में गर्मी प्रदान करती और आग से रात में प्रकाश भी मिलता। आग से खाना भी पकता और आग धातुओं, कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने में भी काम आता है। अब जीवित मनुष्यों व जानवरों के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं की ऊर्जा को भी कार्य करने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। सन 1700 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। पहली बार ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल पाना संभव हुआ। भिन्न भिन्न प्रकार के स्टीम इंजन बनाए गए। कुछ कारखानों में मशीनों को चलाने, कुछ समुद्र में जहाजों को चलाने और कुछ जमीन पर रेलगाड़ियों को खींचने के लिए। इंजन के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की जगह कोयला उपयोग में लिया गया। सन 1800 में जलाऊ ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच में तार के पहिए चलाए गए। इसमें चुंबक की गतिशील ऊर्जा से विद्युत धारा पैदा हुई। विद्युत करंट को टेलीग्राफ व टेलीफोन के लिए उपयोग किया गया। विद्युत ऊर्जा से ही दुनिया के सारे मोटर चलते हैं। सन 1800 के आसपास लोगों ने तेल के कुएं खोदने सीखे। इसे काफी आसानी से पाइप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। सन 1800 के अंत में पेट्रोल से चलने वाले इंजन बनने लगे। इनका उपयोग कारों, ट्रकों, बसों, जहाजों, हवाई जहाजों इत्यादि को चलाने के लिए होता है। तेल घरों को गर्म करने और विद्युत पैदा करने के लिए भी उपयोग में आने लगा। तेल और कोयले के अलावा भी कई और स्रोत हैं जिनसे ऊर्जा की आपूर्ति हो सकती है। लोग आणविक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, पानी और हवा के बहाव की धाराओं का उपयोग कर सकते हैं, समुद्र में ज्वार भाटे द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पृथ्वी के भीतर छिपी अपार ऊष्मा का भी उपयोग किया जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा कई जरूरतों को पूरा कर सकती है। इस पाठ में हम ऊर्जा के इन्हीं स्रोतों के बारे में जानेंगे। ऊर्जा के प्रकार कितने और कौन कौन से हैं यह भी जानेंगे। ऊर्जा के कौन से स्रोत से हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है यह भी समझेंगे।